लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए, आजा। यार तू वहां क्या कर रहा है? सुनिए, यहाँ जयराज कौन है? वो मेरे पति है, क्या बात है? मैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ, वो है क्या? पासपोर्ट ऑफिस से आए, पासपोर्ट ऑफिस से आए हैं। हाँ सर, कहाँ रहते हो तुम? वहाँ, वो तीसरा घर ही मेरा है सर। साथ में और कौन कौन है? बस मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है सर। बेटी की उम्र क्या है? 7 साल। ये लो सर। कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा ना? नहीं सर। राजन से कौन मिलना है? हाँ।
आप कौन? आप जानते हैं मैं मुरली वकील की बेटी हूँ, मंजीरी। मेरे पिताजी ने आपका केस लड़ा था। आजकल पिताजी बहुत बीमार रहते हैं। 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि मैं उस केस के बारे में कुछ चीजें जान सकूं। उसी सिलसिले में मैं आपसे यहाँ आकर मिलना चाहती थी। Yes. सुनो जेपी, ये आदमी सिर्फ कोई ड्राइवर नहीं है, इसने LLB किया है। मुझसे मिलने आया तब काफी डिप्रेशन में था, तब से मेरे साथ है। ग्रेजुएट ड्राइवर। अच्छा है ना? भरोसे के लायक है ना? हाँ, तभी तो तुम्हारे पास लाया हूँ। गलती से अभिनव मेरे सामने मत आना। मैंने तुमसे कैसा आदमी मांगा था और तुमने कैसा आदमी भेज दिया। अब पैसे मांगने आना, फिर बताता हूँ। मैं अपने आप देख लूंगा। चला फोन रख। सर हाँ? वो मुझे एक डाउट था। हाँ? हमने वो उत्सव में कुछ लड़कों को हथियार के साथ पकड़ा था। ये उन लड़कों का प्लान भी हो सकता है सर? हाँ, ये वही लोग हो सकते हैं सर। आजकल उनके हालचाल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कल रात उन्होंने मीरा से बदतमीजी की है। फिलहाल मैंने वो केस सिलेना को सौंप दिया है। एक काम करो, कल सुबह उन सबको यहां पर बुला लो। हेलो। हेलो, जयराजन का नंबर है। कौन बोल रहा है? मैं एडवोकेट मंजीरी बोल रही हूँ। आप अभी बिजी तो नहीं हैं? नहीं नहीं, कहिए क्या बात है। मैं आपके पिताजी के केस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती थी, और मुझे आपका फोन नंबर मलयाल पूजा पोस्ट ऑफिस से मिला। मुझे कुछ डाउट्स क्लियर करने थे। मैं आपके पिताजी से भी मिलकर आई हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो क्या आप मुझे खुद आकर मिल सकते हैं जयराजन? क्योंकि हम सारी बातें फोन पर नहीं कर सकते। मैडम, मैं काम के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि अम्मा की डेथ के बाद मैंने पापा से मिलने की कोशिश की थी, तो अब हम ऐसे इंसान के लिए क्यों सोचें जो हमसे कभी मिलना ही नहीं चाहता हो। देखो जयराजन, मैं इस बात को भी अच्छे से जानती हूँ, उसी के बारे में तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, यकीन मानो मैं हाल ही में उनसे मिली हूँ। कहीं बाद में तुम्हें कोई पछतावा ना हो। नहीं मैडम, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। अच्छे से सोच कर मुझे कॉल करना, ओके? आप मुझे कल पार्क में ले जाओगे? तो फिर स्कूल कौन जाएगा? शनिवार को हाफ डे होता है। तो फिर हम कल जरूर पार्क में जाएंगे। चलो खा लो। हेलो जयन, पासपोर्ट का क्या हुआ? आज वेरिफिकेशन तो पूरा हो गया। हाँ, तो पासपोर्ट भी 2 हफ्तों में मिल जाएगा। ओके ओके, पासपोर्ट मिलते हैं उसकी कॉपी मुझे भेज देना। हाँ। और मैंने यहाँ तुम्हारी बात चलाई है, ज्यादा देर हो गई तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा, तुम समझ रहे हो ना? अरे मुझे जैसे ही मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, तू टेंशन मत ले। हाँ। टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। ओके ओके। अनिता और कल्याणी को भी कहना मैंने पूछा था। हाँ ठीक है, ठीक है। खानो अरुण था, कह रहा था पासपोर्ट मिलते ही मुझे यहाँ से निकलना होगा, मतलब 1 महीना ही हाथ में है।
पापा की चिट्ठी आई है। जाओगे ना? एक बार उनसे मिलने में हर्ज ही क्या है? अकेले मत जाओ, हम भी साथ चलते हैं। मैं भी उन्हें देखना चाहती हूं, कल्याणी भी खुश हो जाएगी। मैं अपना घर खोना नहीं चाहती बेटी। इस बुढ़िया को वो लोग परेशान कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे सामने ही फोन पर मेरे लिए गलत सलत बोलते हैं। मैं अब और ज्यादा सह नहीं सकती बेटी। ऐसे पड़ोसी भी होते हैं क्या? जाने देती हूँ तो और परेशान करते हैं। मैं अभी कोर्ट में केस फाइल कर देती हूँ। बाकी के पड़ोसी आपके साथ हो तो और अच्छा हो जाएगा। और ये जो आपको परेशान कर रहे हैं उनसे 5 लाख का मुआवजा दिलवाऊंगी, ठीक है? इतना पैसा देंगे वो लोग? कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें रकम देनी ही पड़ेगी। अब आप आराम कीजिए अम्मा, मैं एडवोकेसी लेटर की कॉपी आपको भेज दूंगी, उसे आराम से पढ़ना और कुछ जोड़ना हो तो बता देना। चिंता मत कीजिए। ये कोर्ट का फैसला कब तक आ जाएगा? कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाएंगे, कोर्ट का मैटर है ना। आइए। मैं जयराजन, 2 दिन पहले आपने मुझे कॉल किया था वकील मैडम। हाँ जयराजन, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा, बैठिए ना। मुझे लगा नहीं था आप आएंगे, तो अचानक से आपका मन कैसे बदल गया? मैं पिताजी से मिलकर ही आ रहा हूँ। आप उनके केस के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहती थी ना। तो कैसा लगा उनसे मिलकर? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इसे अम्मा का ही नाम दिया है। ओह, ओह, तो ये हमारी छोटी कल्याणी है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूं। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। हमने पहले भी आपसे मिलने की कोशिश की थी, पर आपने ही मिलने से मना क्यों किया पापा? पापा, क्या होता अगर तुम लोगों को एक साथ देख लेता? मैं तो बस यही मरना चाहता हूं, लेकिन अब मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब अगर मौत भी आती है तो कोई बात नहीं। मैंने कुछ लोगों पर विश्वास किया था, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है।
खुद को बेगुनाह साबित करके यहां से निकलकर अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश भी नहीं की। अब मैं यहां से निकलना नहीं चाहता। जाओ, खुश रहो तुम लोग। पापा, पापा, मेरे पापा सच में बेगुनाह हैं? और हम ये साबित भी कर सकते हैं अगर तुम साथ दो। मेरा भी इस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि पहले आपके पिताजी का केस मेरे पिताजी लड़ रहे थे। एक दिन मैं अपने पिताजी के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी, तभी अचानक से मुझे आपके पिताजी का केस मिल गया। कई सारे डिफेंडिंग पॉइंट्स होते हुए भी मेरे पिताजी ये केस कैसे हार गए, मुझे ताज्जुब हुआ। इसीलिए मैंने सोचा एक बार जेल जाकर आपके पिताजी से मिलो। मुझे मेरी इस हालत से सिर्फ एक ही इंसान छुटकारा दिला सकता है, पता है कौन? राजीव। आपके पिताजी के फैसले के बाद राजीव को किसी ने भी नहीं देखा। एक बार ये केस पढ़ते वक्त मुझे मेरे पिताजी के कुछ पर्सनल फाइंडिंग्स मिले थे। मैं ये नहीं जानते कि इतने सालों बाद उन फाइंडिंग्स से कुछ हासिल होगा। केरल कर्नाटक का बॉर्डर पर रतनहल्ली नाम का एक गांव है, वहां से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर तुम उसे ढूंढ कर सच जान पाओ तो हम ये केस रीओपन कर सकते हैं। So, in the present case, crime number 274/2008, as the accused Mr. Rajan found guilty of the charges, the court hereby sentencing Mr. Rajan for 15 years of imprisonment. सर, वो जो शॉर्ट पहने लड़का है ना, वो इन सब का लीडर है। वो जॉय फिलिप सर का ड्राइवर भी है। सुनो, आ जाओ बच्चों, खेल खत्म हुआ। क्यों, क्या हुआ? आओ ना, आ जाओ, सर बुला रहे हैं, बात तो सुन लो। अरे आओ तो सही। क्या बात है सर? अरे कुछ नहीं, बस इंक्वायरी करने आए, बाकी कुछ नहीं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, कल नहा धोकर सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाना, भूलना मत। सर को तुम सबसे पूछताछ करनी है, आ जाना। जो पूछना है अभी पूछ लो। तुझे बहुत घाई है क्या? सुबह से शाम तक स्टेशन में बिठा कर चाटने का इरादा है क्या सर? बड़ा ही मजाक का इंसान है। वो सब शुरू था तब से मेरी निगाहें तुझ पर टिकी हुई थी। बिल्कुल बंद सर। सर आप बैठिए, बैठिए गाड़ी। तू कल थाने आ जाना। अगर कल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे तो तुम सब की बारात निकालूंगा। चलिए सर, आएंगे ये लोग। चलिए सर। हाँ अनी, पहुंच गए? मैं बस में हूँ। मुझे लगा पहुंच कर फोन करना भूल गए। हाँ? कब पहुंचोगे? हेलो, यहाँ पर नेटवर्क खराब है, मैं पहुंच के कॉल करता हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। टिकट सर, टिकट टिकट।
दरअसल वो काफी सीधा इंसान था। इंसानियत के नाते देखा जाए तो वो बेगुनाह है या नहीं, इस बारे में हम कह नहीं सकते। वैसे भी अब पुलिस भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम अकेले जाकर उसकी जानकारी इकट्ठा करो। अगर पता चलता है कि वो वही है तो मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूंगा। हाँ, ठीक है सर। सुनो, वो कर्नाटक बॉर्डर पर ही है, ये तुम्हें किसने बताया? एडवोकेट मुरली जी की बेटी भी वकील बन गई है, उन्होंने ही मुझे ऐसा बताया। उन्हें ऐसा ही लगता है सर। ठीक है, हम लोग देख लेंगे, तुम जा सकते हो। जी सर। सर, वो एसआई मोहन और सीआई हमें तंग कर रहे हैं सर। हमने कोई अपराध भी नहीं किया, फिर भी हमें कल सुबह पुलिस स्टेशन बुलाया है। कोई कुछ करता है और नाम हमारा आ जाता है। हाँ सलमान। हेलो, कहाँ हो यार? हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे। ओके बाय। सुनो भाई। हाँ। अरे यार बहुत ठंड है। चल मुनीर, चलता हूँ मैं। भैया यहाँ रहने को कोई रूम मिलेगा कहीं? रहने के लिए रूम चाहिए क्या? वहाँ पास में अन्नपूर्णा नाम का एक होटल है, वहाँ जाकर देख लो, लेकिन थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन रूम तो अच्छा है ना? हाँ ठीक ठाक है। वैसे कहाँ से आए हो? वेट्टिलपारा से। हाँ, तभी पहले कभी नहीं देखा। अच्छा भैया, आप यहाँ किसी राजीव को जानते हो? राजीव क्या करता है वो? सुना है काफी सालों से यही रह रहा है। मेरे पास उसका एक फोटो है। अब ये राजीव कैसे हो सकता है? मतलब? अरे अभी अभी तो जीप से गया ये। क्या, कहाँ पर रहता है वो? बस वो अगले मोड़ पर ही उसका घर है वहाँ पर। हाँ, और उसके यहाँ ट्री हाउस भी है, वहाँ रहने का इंतजाम हो जाएगा। देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ। ठीक है। कितना हुआ? 10 रुपए। चलता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा मोहन सर, कविता कैसी है, सब ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते उसे लेकर मेडिकल कॉलेज जाना है। आप छुट्टी लीजिए ना सर, मैं तो यहाँ पर हूँ ही, देख लूंगा। क्या कहा? मतलब हम सब है ना यहाँ पर सर, आप टेंशन मत लीजिए। वो बात नहीं है, पिछले हफ्ते काफी छुट्टियां हुई है मेरी, इसलिए अब और छुट्टी नहीं मांग सकता। सर आप बिंदास जाइए, अगर कोई केस आता भी है तो हम सब देख लेंगे उसे सर। हाँ सर। और वैसे भी इस इलाके में केस आते कितने हैं आप तो जानते हैं। मेरा पैक बना। Cheers.
शफीक। मोहन सर आप अब तक गए नहीं? निकल ही रहा हूँ। कोई घर पे बेचैन हो रहा होगा, जाके टेंशन दूर कीजिए। हेलो कविता जी। मोहन मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, जरा होल्ड कीजिए कविता जी। शफीक सर, मोहन सर अभी तक घर नहीं पहुंचे। जल्दी से बाहर आओ, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कहाँ है? उस तरफ चलो। ए बोरा, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, जाने मत देना। चलो रुक, ए रुक, रुक के पकड़ो उसे। खाना हो गया तुम्हारा? हाँ सर। जीप में से सामान निकालकर पहुंचा दो। भैया। हाँ। नाश्ता लगा दूं? हाँ भाई। हाँ वो कौन है? वो सलीम भाई है। क्यों रे, गेस्ट को खाना दिया ना? नहीं, देने जा रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। व्यू अच्छा है ना? सुनो, मधुमक्खियाँ देखनी हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। आओ, डरने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगी। आ जाओ मेरे पीछे। मैं पिछले कई सालों से गल्फ में रहा हूं, अच्छा पैसा कमाया वहां, फिर मैंने ये सब शुरू कर दिया।
ये थोड़ा सेफ्टी के लिए। अभी वैसे सीजन तो नहीं है, लेकिन एक आध बार चेक करना अच्छा रहता है। देखा कि नहीं? देखो, वैसे आपका नाम क्या है? मैं जयंत। हाँ, मेरा नाम सलीम है। यहाँ मुझे आड़ी माली सलीम नाम से जानते हैं। सर, बस्ती से कुछ लोगों को कल रात गिरफ्तार किया है। सारे के सारे बदमाश हैं। सर। हाँ। कितने बजे होने वाला? वो 3 तो बज जाएंगे सर। ठीक है सर। नमस्ते सर, आपसे कुछ बात करनी थी सर। उन्होंने आपके ड्राइवर और मेरे बेटे को भी पकड़ लिया है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं सर। एक काम करो। हाँ। बस्ती के कुछ लोगों को इकट्ठा करो और स्टेशन पे मोर्चा लेके जाओ। ओके सर। बाकी मैं देख लूंगा। जी बिल्कुल सर। हेलो जैन। हेलो मैडम, मुझे नहीं लगता कि ये राजीव है। इसका नाम तो एक्चुअली सलीम है। दोनों बस दिखते हैं एक जैसे हैं। एक मिनट जैन। हाँ। क्या कहा तुमने? इस आदमी का नाम सलीम है, वो बस राजीव जैसा दिखता है। सोचो जैन, राजीव ही अपना नाम सलीम रख कर न रह रहा हो। लेकिन क्यों मैडम? मुझे वहाँ कई सारे काम निपटाने हैं तो मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा हूँ। तुम एक काम करो जैन, बस एक दिन वहाँ रुक जाओ। क्या पता राजीव की कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाए। देखो, जरूरत हमें है, जानते हो ना। मैं रखती हूँ। मैं तो बस एक गरीब चाय वाला हूँ साहब। आपने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है? मेरे बेटे को भी क्यों पकड़ के रखा? जानते हो ना यहाँ पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई है, इसीलिए पूछताछ के लिए इन लोगों को पकड़ा है। प्लीज आप लोग शांत। हमारे बच्चों की क्या गलती है बताइए हमें। एक बार में एक ही बोलो। अभी अभी जाने दो। ऐसा नहीं कर सकते। पकड़ के अंदर डाला है। आप लोग जाओ। मेरे बेटे में क्यों शक कर रहे हैं? इंक्वायरी होने तक हम उसे छोड़ नहीं सकते। नहीं पड़ेगा। अगर उसे जरा भी खरोच आई ना तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा और इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं अभी निकलता हूँ। ये मनमानी नहीं चलेगी। जाओ, इन सबको उधर ले चलो। निकलो, जाओ। चलो जाओ, चलो जाओ यहाँ से। चलो जाओ, चलो पीछे हटो। आप लोग जाओ। केस सीबीआई को सौंप दो। केस सीबीआई को सौंप दो। नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी 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 नहीं चलेगी। केस सीबीआई को सौंप दो। केस सीबीआई को सौंप दो। केस सीबीआई को सौंप दो। जिनको तुमने पकड़ के रखा है वो सभी कल्प्रिट्स हैं क्या? हो सकता है मोहन के साथ कुछ कहासुनी हुई हो। और कोई एविडेंस है तुम्हारे पास? बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? तुम्हारी ये गलती की वजह से मुझे कितने लोगों को जवाब देना पड़ रहा है पता है? सर, सिचुएशन ऐसी थी कि सिचुएशन गई फाड़ में। सनल, डिपार्टमेंट में से किसी की मौत होती है तब जो दुख होता है वो मैं भली भांत महसूस कर सकता हूं, बट प्रोफेशनली स्पीकिंग हमारे डिपार्टमेंट का इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा मैच्योर होकर सोचना चाहिए। समझ गए सर? अब तक तुमने जो किया वो बहुत है, बस करो। अब से इस केस को डेनिस फिलिप हैंडल करेगा। एक और बात सुनो,
तुम्हारे और उसके बीच जो कुछ है उससे मैं अनजान नहीं हूँ। तुम अपनी ईगो को साइड में रखो, तुम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे और ये केस सुलझाओगे, बात खत्म। तुम्हारी तरफ से हाँ है? यस सर। तुम जा सकते हो। सर गेट मी डेनिस ऑन द लाइन। यस। हेलो सनल, मैं डॉक्टर दिव्या। मोहन सर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। डॉक्टर, इस केस का चार्ज अब नए ऑफिसर के पास है। कुछ युवाओं को बिना किसी आधार के गिरफ्तार करने पर सीआई सनल के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। असली गुनहगारों को पकड़ने के बदले इन युवाओं को सीआई सनल ने ज्यादा दुश्मनी की वजह से गिरफ्तार करके अपराधी ठहराया है, ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। ऐसी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हेलो, जॉय फिलिप बोल रहा हूँ। हाँ सर। देखिए मिस्टर सनम, एबिन मेरा ड्राइवर है, आपने उसे बिना वजह गिरफ्तार किया है। हम बिना वजह कुछ नहीं करते, वो सस्पेक्ट है। किसने कहा आपसे? आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं क्या? हैं? सर मैं अभी बिजी हूँ। तुम लोग हल्ला क्यों मचा रहे हो? हैं? जुबान कट गई है क्या? उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो समझ क्या रखा इसने? देखता हूं कैसे बाहर निकलता है। असली गुनहगार नहीं मिला इसलिए मुझे पकड़ लिया ना। मेरी गलती नहीं है फिर भी आपने मुझे पकड़ रखा है, आप गलत कर रहे हो। चल, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। चुप रहेगा कि नहीं? चलना, चल। मैं उसे देख लूंगा, तुम सीआई सर को रिपोर्ट कर देना। सनल सर ने ये रिपोर्ट भेजी है। सर सर सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सफर ठीक रहा ना सर? चाय वगैरह कुछ सर? ये लड़के तो सनल, छोड़ दो इन्हें। हैं? छोड़ो इन्हें, पक्के बदमाश हैं वो। वो मैं देख लूंगा, छोड़ो। जाने दो उन्हें। सर ये यहाँ के नामचीन गुंडे हैं सर। हाँ। पक्के नशेड़ी हैं। हाँ। और इन्होंने मोहन सर से झगड़ा भी किया था, इसीलिए इन्होंने उन्हें मार दिया। सर बाहर मिलते हैं। क्या रे, मुझे आंख दिखा रहा है तू? अब कोई भी इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता, रोज हाजिरी देनी होगी तुम सबको। निकल। आहा,
अरे इतनी अच्छी जगह है और तुम कहीं घूमने भी नहीं जाते हो। तुम चाहो तो मेरी गाड़ी ले जा सकते हो। नहीं भाई, यहाँ पापा के पुराने दोस्त को ढूंढने आया हूँ। सुना है वो यहीं आसपास ही रहता है। अगर यही रहता है तो जरूर मिल जाएगा। नाम क्या है उसका? उसका नाम है राजीव। ये उस आदमी की फोटो है। दिखाओ। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। दुनिया में एक जैसे सात लोग होते हैं। तुम इसे ढूंढ क्यों रहे हो? पिछले 13 सालों से मेरे पापा जेल में हैं। उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। अगर मैं इस राजीव को ढूंढ पाया तो शायद पापा को जेल से छुड़ा सकूंगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। शाम को मेरे घर आ जाना। घर पता है ना? ओके। तुम अपना दिमाग ठंडा रखना कब सीखोगे दोस्त? सिगरेट लाइटर? लगता है बहुत स्मोकिंग करते हो। हाँ, स्टेशन में हर किसी को मोहन सर से बहुत लगाव था ना? हाँ, वो एक अच्छे इंसान थे। तो उनकी मौत से पहले उनके बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया? तुम्हें कुछ अलग लगा था? उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के दिन करीब है, उसी का टेंशन होगा शायद। और तो कभी कुछ अलग नहीं लगा। वाइफ का स्टेटमेंट लिया? वो अस्पताल में है, फिजिकली और मेंटली टूट चुकी है। डिलीवरी के बाद ही उससे पूछताछ कर सकते हैं, डॉक्टर ने कहा है। ये लगता है मर्डर से पहले उनमें झड़प हुई होगी। उतना ही नहीं, मोहन सर के शर्ट पर एक बूट प्रिंट भी मिला है। मौत की वजह उनके सर पर गहरी चोट है। मोहन सर का फोन भी मिसिंग है और मर्डर वेपन भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। ठीक है, और कुछ? आपने जिन लड़कों को जाने दिया ना, मर्डर के दिन मोहन सर का उनसे झगड़ा हुआ था, और मुझ पर जो लड़का रोब जमा रहा था ना, वो रिटायर्ड ADGP जॉय फिलिप का ड्राइवर है। मतलब वो इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। सर आप कुछ भी कहिए, वो जरूर इस केस से जुड़े हैं, मुझे पूरा यकीन है। देखो तुम ना इमोशनली सोच रहे हो, हम यूनिफॉर्म वाले सर्विसमैन हैं, हमें ज्यादा लॉजिकली सोचने की जरूरत है। मर्डर सीन से कुछ ऐसा बरामद हुआ है क्या? आई मीन, जिससे पता लगे कि लड़के यहां मौजूद थे, कौन सा वेपन इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ लिंक? तो उसके बाद ही तुम्हें उन्हें पकड़ना चाहिए था। यहां के लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, एसपी ने लंबा चौड़ा भाषण सुनाया। एक काम करते हैं सनम, नॉर्मल SOP फॉलो करेंगे। जो लोग मोहन के करीबी थे जाके सबसे पहले उनसे पूछताछ करते हैं। ओके। उन्हें डराना धमकाना नहीं है, आराम से। और उसी टाइम जो बाहर से इस गांव में आए होंगे और मर्डर के तुरंत बाद जो गांव से बाहर गए होंगे उनकी पूछताछ। और मुझे सारी रिपोर्ट्स देखनी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सारे CCTV फुटेजेस कलेक्ट कर लो। मुझे मोहन के सारे कॉल रिकॉर्ड्स भी देखने हैं, मोहन से जुड़ी हर एक बात जाननी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर।
जरा वो पानी देना। मैं पीता नहीं हूँ। बाहर ठंड बहुत है, थोड़ा पी लो। वैसे तुम रहते कहाँ हो? अभी वेटिलपारा में रहता हूँ। अच्छा। पहले मलयाला पूजा में रहते थे, अम्मा की डेथ के बाद गांव छोड़ दिया। होता है। अरे ले लो, पकड़ो। मतलब तुम्हारी स्टोरी का विलन वो राजीव है? देखा जाए तो उसी की वजह से आज मेरे पापा की ये हालत है। उसे कैसे ढूंढो को समझ में नहीं आ रहा है। हॉशनल सर, सीसीटीवी फुटेज में मोहन सर के घर के पास जो आदमी दिखा था वो आदमी याद है ना? उसके बारे में कर्नाटक पुलिस से रिपोर्ट आई है। 3 महीने पहले रतनहल्ली में एक मर्डर हुआ था, वो उसका प्राइम सस्पेक्ट था। हमें वहां जाकर देखना चाहिए सर। हेलो सर, मैं केरला से एसीपी डेनिस जोसेफ बात कर रहा हूँ। नमस्ते सर। आप सुंदर पांडन सर हो ना? हाँ सर, बोलिए। सर मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कहिए सर। 3 महीने पहले रतनहल्ली मर्डर केस में जो फर्स्ट एक्यूज था, वो हार्ट मर्डर केस ना? हाँ, उसी का फर्स्ट एक्यूज, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। तो क्या वो मुझे मिल सकती है? जरूर मिलेगी सर, श्योर। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। अब यहां कोई नहीं है सर, सब चले गए। इसे जानते हो? ये हमारे मालिक हैं। 3 महीने पहले इनकी मौत हो गई। और ये? इसी ने तो मालिक को मारा था, मार के भाग गया। मर्डर स्पॉट कहां पर है? वो उधर है सर, दिखाइए तो। चलिए। वहां कोई नहीं रहता सर। हाँ, ये जयराज की बीवी और बेटी कहाँ? पता नहीं कहाँ चले गए, पिछले कई दिनों से घर पर ताला लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन और टाइट करो। जैन की फैमिली का चाल चलन ठीक नहीं था। जैन को ढूंढते हुए हमें पता चला कि उसके पिताजी भी जेल में हैं। अगर कोई चोरी छिपे बॉर्डर क्रॉस करके आया होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ सर, आप चिंता मत कीजिए।
सनल, जिस दिन मोहन का मर्डर हुआ था उस दिन के उसके सारे कॉल डिटेल्स मुझे भेजो। हाँ, अभी भेजता हूँ सर। जल्दी करो। हाय। हेलो सर। प्लीज। बाकी सब ठीक ना? जी सर। हमारी मुलाकात इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है ना? ना नहीं कह सकता सर, मेरे दिल में कुछ डाउट्स हैं, इफ यू डोंट माइंड। गो अहेड, जितना बन पड़ेगा मदद करूंगा, शायद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सर, मुझे जानना था वो राजन किस क्या था। राजन? वही सर, 2008 का ड्रग बस्ट केस। ओ हाँ हाँ, राजन। सर, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक राजन को गिरफ्तार करने वाली सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड आप थे। जिस रात मोहन का कत्ल हुआ उस रात उसने आपको कॉल किया था, और आपके फोन से भी उस रात मोहन को कॉल किया था। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उससे पहले कई दिन आप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, फिर उसी दिन आपने उसे कॉल क्यों किया था सर? क्या वो कॉल राजन केस की इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए किया था? मोहन ने तब क्या कहा था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है डेनिस, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम दोनों लगातार एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे। तुम्हारे सवाल में ही उसका जवाब छिपा था, है ना? गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के मुताबिक टीम मेंबर्स का पता पब्लिक को नहीं चलना चाहिए था। मोहन, मैं और टीम के सारे लोग भी सारी जानकारी छिपा कर ही रखते थे, ठीक है? जब मोहन पुलियामला स्टेशन का एसआई बना, तब उसने कुछ अर्जेंट मैटर्स को लेकर मुझे कॉल किया था। तो फिर सर, मर्डर वाली रात उसे कॉल करने की क्या वजह थी? वो मोहन के वाइफ की डिलीवरी बहुत ही करीब थी। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने एक डॉक्टर का नाम सजेस्ट किया था, वही बताना था। और कुछ पूछना है? जी नहीं सर, थैंक यू। आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। किसी इन्वेस्टिगेटर को देखते ही उसकी काबिलियत पहचानने का एक्सपीरियंस है मुझे। कोई जरूरत हो तो कॉल करना, I'm always there to help. Thank you. Okay. पर वो कर्नाटक बॉर्डर पर ही है, ये तुम्हें किसने बताया? एडवोकेट मुरली जी की बेटी भी तो अब वकील बन गई है सर, उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें ये जानकारी मिली। ठीक है, मैं देखता हूँ इस बारे। ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ ठीक है सर। आपने उसे फिर कभी देखा? इनकी मौत वाली रात को, लेकिन उनमें क्या बात हो रही थी वो मैं नहीं जानती। आर्चर मेयर, मेरे फेवरेट ऑथर, लगता है आपको थ्रिलर बहुत पसंद है। मैं मानता हूं कि वकील हमेशा सच्चे और ईमानदार होते हैं, मेरा मानना सही है ना? ऑफ कोर्स यस। गुड। तो मैडम, ऐसा है, मोहन के कत्ल के एक रात पहले जैन उसे मिलने उसके घर गया था, आपको तो इसकी जानकारी होगी ही ना? सी, ये सच है कि जैन मेरा क्लाइंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मोहन से मिलने मुझसे पूछ कर गया था। ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ जानती हैं। यह आपकी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मुझे जो भी पता है वो मैं आपसे बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी। ये बात कुछ तकरीबन 10-15 साल पहले की है।
मेरे पिताजी ने राजन के केस को कोर्ट में पेश किया था। वो ही लास्ट केस उन्होंने लड़ा था। वही एक ऐसा केस था जिसमें वो हारे थे। उस एक्सीडेंट के बाद वो मुश्किल से बच पाए थे। अब वो पैरालाइज्ड है। ये एक्सीडेंट होने से कुछ साल पहले, मेरा मतलब 5 साल पहले, पापा इसी केस के पीछे लगे हुए थे। एक्चुअली ये राजीव की इन्फॉर्मेशन भी मुझे पापा की ही एक डायरी में लिखी मिली। हाँ, वकील मैडम। बोलो जैन। सलीम ही राजीव है, वो मेरे पास ही बैठे हैं, आप बात करेंगी? फोन दो। भैया। वकील मैडम। हेलो। हेलो, मैं एडवोकेट मंजीरी बोल रही हूँ। जानता हूँ, जैन ने बताया। हमें सच्चाई सबके सामने लानी है। कोई जेल में उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। आप जिंदगी भर सलीम बनकर पछतावे में रहना चाहते हैं, या फिर से वही राजीव बनकर सुकून वाली जिंदगी जीना चाहते हैं हमेशा के लिए? फैसला अब आपको करना है। मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं भी उसी सच्चाई को बाहर लाना चाहता था। राजन ने जो सबूत दिए हैं वो सारे अभी भी संभाल कर रखे हैं मैंने। मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ ही रखता हूं। मैं आऊंगा बेटी, जरूर आऊंगा। जैन ने राजीव को ढूंढ लिया था, ये बात मुझे और बस मोहन एसआई को पता थी। जैन ने राजीव को ढूंढा, उसके बाद ही उसका मर्डर हुआ। मतलब उन पर किसी की नजर थी। कोई है जिसे राजीव के सबूतों से डर लग रहा है। कोई तो है। जयराजन, जल्दी अंदर आओ। जयन, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे हमारा केस कमजोर हो जाए। तुम बेल पर आए हुए कोई आम क्रिमिनल नहीं हो। तुम दो दो हत्याओं में प्राइम सस्पेक्ट बन चुके हो। मंजरी मैडम, मैं नहीं जानता कि मेरा परिवार कहाँ है। ये भी नहीं जानता था कि बातें इतनी बिगड़ जाएंगी। अगर आप कहो तो मैं सरेंडर कर दूं अपने आप को। मुझे अपनी बीवी और बच्ची से मिलना है। तुम उनसे मिलने गए तो उनकी भी जान तुम खतरे में डाल सकते हो। सिर्फ पुलिस ही तुम्हारे पीछे नहीं है। और तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैंने उनकी सेफ्टी का बंदोबस्त कर दिया है। कुछ भी हो जाए तुम सरेंडर नहीं करोगे। तुम पकड़े गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे लगता नहीं कि मैं खुद को इतनी देर रोक पाऊंगा। अभी तुम्हारा पकड़े जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन सरेंडर जरूर करोगे। ए भाई, एक चाय दे। भाई एक चाय दे, बिना शुक्र। ये लो। हेलो, वो आ गया है। रुक जा।
आप हमेशा इतनी शराब पीते हो क्या भैया? शराब के बिना मैं एक दिन भी रह नहीं सकता। पूरा दिन कोई और बन के जीकर रात को शांति से कैसे सोऊं? अभी क्या कहा आपने? तुम राजन के दोस्त राजीव की तलाश में यहां आए हो ना? हाँ। डर की वजह से मैंने पहचान छुपाकर इस नई पहचान को अपना लिया था, और क्या करता। वादा करता हूं आपको जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे बस अपने पापा को जेल से बाहर निकालना है। मैंने राजन को जानबूझकर नहीं फंसाया है, लेकिन वो जयन, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जॉय फिलिप की वजह से गायब हो गया था। उसके पास मेरे पापा के दिए हुए सारे सबूत मौजूद थे, जिनकी मदद से मैं अपने पापा का केस फिर से ओपन करने वाला था सर। और मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन उसके बाद ना चाहते हुए भी वो सब कुछ हो गया। मैं अपना वादा निभा नहीं पाया, और इसके लिए मैं हमेशा अपने आप को कोसता हूँ। आपसे मदद मांगकर मैंने गलती कर दी। मैं नहीं जानता आपका इसमें हाथ है या नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है ये आप जानते थे ना। आप में जरा भी इंसानियत नहीं है। आप हमें आसानी से कुचल सकते हो। तुम्हारे केस का क्या हुआ? फोन। एक मिनट, तुम अंदर जाओ। चलो चलो चलो, मैं आता हूं। जया, मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूं, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे पीछे पड़े हो तो जान से हाथ धो बैठोगे, और अगर तुम चुप बैठते हो तो मैं देखता हूं इस बारे में क्या कर सकता हूं।
बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, समझ गए? सोच कर बताना मुझे। मोहन सर, जॉय फिलिप के डर में जी रहे थे। उनका कत्ल जॉय फिलिप ने ही किया है, वो मुझे भी मार सकता है। बेल मिलने के बाद मैं गायब हो गया और बीवी और बच्ची को उनसे बचा लिया। बहुत मुश्किल से जान बचाई मैंने। वाकई में बहुत डर गया था सर, पर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं सब कुछ अपने सर ले लूंगा, बस मेरे परिवार को कुछ ना हो। लुक डेनिस, ये लोग कोई आम लोग नहीं है, इसलिए ध्यान रहे इन्वेस्टिगेशन के फिगर एंड फैक्ट्स एकदम परफेक्ट हो। एब्सोल्युटली सर, प्रकाश का कन्फेशन मिल गया है, जयन भी हमारी कस्टडी में है। इन दोनों मर्डर्स में जयन का हाथ नहीं है। मैं सच कहूं तो इसमें हाथ जॉय फिलिप्स का है, हमें उससे पूछताछ करनी होगी सर। आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? जिस केस में राजन को सजा हुई थी उसमें कई सारे ट्विस्ट हैं। कैसे ट्विस्ट? वेल, जॉय फिलिप ने उस केस को हैंडल किया था और उसमें मोहन भी शामिल था। राजन ने मोहन को एक बड़ी ड्रग डील के बारे में इंफॉर्मेशन पास की थी सर। इतनी क्रूशल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और उन्हें डर था कि कहीं ये बात मीडिया तक ना पहुंचे। मोहन और जॉय फिलिप ने राजन को जानबूझकर ट्रैप किया, एंड दैट्स द रीजन सर। सो आई एम वेरी श्योर। वेल, कहीं तुम्हारा अंदाजा गलत ना साबित हो। जो सबूत राजन ने राजीव को सौंपे थे वो अब जॉय फिलिप के पास है और वो इनका इस्तेमाल इस डील में जो बड़े बड़े लोग हैं उनके खिलाफ जरूर करेगा। वेल, आई डोंट नो, पर जयन जब राजीव की तलाश में निकला था तब मोहन ने ये बात जॉय फिलिप को बताई होगी, और हो सकता है कि मोहन पहले से ही इसमें शामिल था, तो वो आगे चलकर पलट सकता है। इसका फिलिप को डर होगा। मोहन का मर्डर हुआ उस दिन मोहन जॉय फिलिप से मिला था। राजीव और उसकी मुलाकात मैंने आपको बताई है, ये उसे पता चल गया है। उसने कहा वो हमें परेशान नहीं करेगा, ये मामले को यहीं छोड़ देते हैं। जो बीत गया वो बीत गया सर, हम अपनी फैमिली के साथ खुशी से जीना चाहते हैं। मुझे घुटन हो रही है सर, ये बेकार का डर टेंशन बहुत हो गया सर। तुम जा सकते हो मोहन। ओके सर। मतलब राजन ने मोहन को ड्रग डील की टिप देने के बावजूद जॉय फिलिप ने झूठे केस में राजन को फंसा दिया था और अपने जुर्म छुपाने के लिए राजीव का भी कत्ल कर दिया। वेल, तो ये है तुम्हारी फाइंडिंग, राइट? ये जॉय फिलिप ने मोहन का मर्डर किया, इसका कोई पुख्ता सबूत है तुम्हारे पास? सर, मोहन का मर्डर रात 10:30 और 11 के बीच हुआ था इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और उसी समय जॉय फिलिप की मौजूदगी मर्डर साइट पर थी। हमने मोबाइल टावर्स ट्रैक किए हैं जिससे लोकेशन पता चलता है। इतना ही नहीं,
एक वकील थे जिन्होंने ये केस उस वक्त लड़ा था। उनका नाम है एडवोकेट मुरली कृष्णन। 5 साल पहले वो एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज्ड हो चुके हैं। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ प्लान्ड अटेम्प्ट टू मर्डर सर। सर प्लीज, मुझे उससे पूछताछ करनी ही होगी। उसे कस्टडी में लेने की परमिशन दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सर। चलो अंदर। ये पूरा प्लॉट 5.5 एकड़ का है। हेलो, जेएन की बेल हो गई है। कैसा है भाई? हाँ ठीक है, मिलते। तू चल मेरे साथ। घर तक छोड़ दूँ? अरे बोलना। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। देखो पापा आ गए। है? पापा, चिन्नू। आज के खाने में सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया था। अब सब ठीक हो गया है ना? तो वही सब सोचकर परेशान क्यों होना? कुछ ठीक नहीं हुआ है यानी। मैं बेल पर बाहर आया हूँ, लेकिन अब भी मैं कल्प्रिट ही हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जाने भी दो ना, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हाँ शायद, लेकिन पापा का क्या? मुझे पूरा यकीन है उन्हें फंसाया गया है। उन्हीं लोगों ने मुझे भी फंसाया। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई यानी। अब मैं अब्रॉड नहीं जा पाऊंगा, चिन्नू को कभी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। नहीं अनीता, ना पुलिस हमारी है ना कोर्ट, हम अकेले ही हैं। और जब हमारा कोई नहीं होता तो खुद का ख्याल खुद रखना पड़ता है। बस करो, दिमाग खराब हो गया है क्या?
पापा तुम्हारे पास ही हैं। पापा सो जाओ बच्चा। कुछ करने से पहले हमारे बारे में सोचना, हम अभी ठीक हैं। अच्छी नौकरी अच्छा स्कूल ना हुआ तो भी कोई बात नहीं, बस हम साथ रहे। होम मिनिस्टर थे, कहा कि पुलिस है या क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स को पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसी बकवास बाहर मीडिया फैला रही है। अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल रहा है। वो फाइल्स मुझे दो। सर ये सब एविडेंस की डिटेल्स हैं। मर्डर का वेपन था ये गोल्फ क्लब, उस पर मोहन का खून मिला है। इस फाइल में कई सारे सबूत हैं सर, लेकिन दुख की बात है कि मर्डरर रिटायर्ड एडीजीपी जॉय फिलिप फरार हो चुका है। किसने बताया उसे? मुझे ये बात अजीब लगती है सर, या फिर मैं कुछ मिस कर रहा हूं। आड़ी माली सलीम, ये नाम तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। वैसे राजीव नाम में क्या खराबी थी? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं इस जगह से दूर चला जाऊंगा। हिम्मत, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत हो गई भागम भाग। सर राजन ने मुझे जो कुछ भी दिया मैं आपको दे दूंगा सर, लेकिन मेरी जान बख्श दीजिए सर। वो तो तुम्हें देना ही होगा भाई, तुम बहुत लकी हो। आसान मौत दे रहा हूं मैं तुम्हें। सर मैं फिर कभी दिखाई नहीं दूंगा सर, भरोसा कीजिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। तुम एक काम करो, वो फाइल्स मेरे आदमी को दे दो। कहां रखी है? वहां बेड के नीचे। अब मैं तुम पर रहम कर सकता हूं। सर आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, ये फाइल यहीं जला दूं क्या? नहीं, उस फाइल में कई बड़ी हस्तियों के नाम है, यहां ले आओ, शायद काम आ जाए। राजीव, अब तुम्हें छुटकारा मिलेगा। एक तो तुम जेपी को पकड़ नहीं पा रहे हो, और ये मिजाज, जेपी के घर से जो तुमने फाइल बरामद की उसमें कई बड़े लोगों का नाम है। इस एक केस की वजह से हमें बहुत सारे केस रीओपन करने पड़ेंगे। मैंने तुम्हें बस मोहन का मर्डर केस सौंपा था, वो तुमने सॉल्व कर दिया, बात खत्म हो गई, उसके आगे जाकर तहकीकात करने की जरूरत नहीं, समझ गए? मतलब आप मुझ पर ये केस क्लोज करने के लिए प्रेशर डाल रहे हो? मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से ये केस सॉल्व होना भी बाकी है। सरकार सिर्फ जनता पर राज नहीं करती, हम पर भी करती है, तुम्हें पसंद हो या ना हो, दैट इज द सिस्टम एंड दैट इज पॉलिटिक्स। ये तुम जैसों को समझाने की जरूरत नहीं है, और जहां तक मुझे लगता है तुम्हारा काम अब पूरा हो चुका है, क्लियर? सिस्टम के डर से हम केस अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने और आपने कसम खाई थी टू सर्व एंड प्रोटेक्ट, आपको नहीं लगता कि हम वर्दी का? बताया जाता है वही करना है तुम्हें, और ये पुलिस के बेसिक्स ट्रेनिंग के बारे में तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ एक और बात, जेपी और बाकी सभी का ये ड्रग कार्टेल केस में किसी फ्रेश इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से करवा लूंगा। वो ऑफिसर कौन है ये तुम जानते हो? कार्तिक श्रीनिवासन, आईपीएस ऑफिसर, तुम उसे जानते हो ना? 2010 बैच, स्कॉटलैंड यार्ड ट्रेंड, जानता हूं। गुड, वो ये केस जरूर सॉल्व करेगा, उसी के साथ तुम्हारे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जरूरी जानकारी मैं तुम तक पहुंचाता रहूंगा, ओके? अच्छा डेनिस, कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी ले लो, शिमला जाओ, कश्मीर जाओ, अच्छा वक्त बिताओ, अपने आप को रिचार्ज करो और फिर वापस आ जाना। मैं तुम्हें इससे भी बड़ा केस तहकीकात के लिए दूंगा, मिलकर काम करेंगे, क्या बोलते हो?
क्या बात है, लात मार दी क्या? लात अब उसे पड़ेगी। चलो। इन द प्रेजेंट केस द रिकॉर्ड बिफोर द कोर्ट इंडिकेट्स दैट द पिटिशनर मिस्टर राजन हु वॉज कन्विक्टेड फॉर केस नंबर 274/2008 इज इन एक्चुअल फैक्ट्स इनोसेंट एंड द रियल कल्प्रिट इन दिस केस आर स्टिल बिहाइंड द वे दिस कोर्ट hereby directing the district police chief to re-investigate crime number 274/2008 and hereby order to release Mr. Rajan immediately. The court is urgent. देखा भाई, ये जिसे छोड़ा था, अब पूरा ट्रैक समझ में आया? सच में आपका बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ मैडम। हाँ। मैं यहाँ एसआई मोहन मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने आया था, जो सॉल्व हो गया है। जाने से पहले सोचा आपसे एक बार मिल लूं। तो आप गुड बाय कहने आए हैं? गुड बाय ही समझिए, लेकिन उससे पहले मुझे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं एडवोकेट मंजरी मुरली कृष्णन। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा केस अब सॉल्व हो चुका है, आई मीन एडवोकेट मंजरी को अभी कैसा लग रहा है? एनीवेज कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। पुराने जुर्म को छुपाने के लिए जॉय फिलिप ने दो दो मर्डर कर डाले, लेकिन सभी सबूत वैसे ही क्यों छोड़ दिए? ये बात आपको अजीब नहीं लगती एडवोकेट मंजरी मुरली कृष्णन? क्या आपको इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नजर नहीं आता? वो एक डीजीपी रैंक का पुलिस ऑफिसर था, वो इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या किसी ने उसे फ्रेम किया होगा? और जयन जैसा कोई मामूली वर्कर इतना ब्रिलियंट हो सकता है? या फिर कोई ऐसा जिसे कानून अच्छे से पता है, जैसे कोई वकील भी हो सकता है? ये सब आपकी पुलिस थ्योरी है, क्योंकि कोर्ट को बस सबूत चाहिए जो कि पेश हो चुके हैं, और सर आपने ही तो वो पेश किए हैं। एनीवेज इट वाज नाइस मीटिंग यू, डू टेक केयर। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू टू मैडम, वी विल मीट सून। मोस्ट वेलकम सर। Ugh.
इतने परेशान क्यों लग रहे हो पापा? मैं जॉय फिलिप के बारे में सोच रहा था। छोड़िए ना उसे, अब वो वापस नहीं आएगा। सिर्फ वही नहीं, अब हमें परेशान करने कोई नहीं आएगा, ये वादा है। अगर मैं कुछ पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? तुमने मुझे जेल से कैसे छुड़वाया? तुम्हारा सरेंडर जरूर होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बार उसे कॉल करना होगा। अपने लिए भी बना ले। मेरे साथ रहने वाले बहुत आगे निकलते हैं। आज आपका मूड एकदम मस्त है सर। मेरा मूड हमेशा मस्त रहता है। सर, प्रकाश का फोन है, कहता है जयन भाग गया। उसने कहा वो रबर फैक्ट्री में घुस गया है, हमें वहां चलना चाहिए क्या? हे प्रकाश, नहीं सर, अब ये नहीं चलेगी। अच्छा है, अच्छा गेम खेला तुमने। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है सर, अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। शायद ये बात आपको अच्छी ना लगे। अबे कमीने, मरने मारने से ये जॉय फिलिप कभी नहीं डरता है। अगर मर भी गया ना तो डिपार्टमेंट मुझे हमेशा याद रखेगा, सम्मान के साथ विदाई करेगा, मेरी मौत का जश्न मनाया जाएगा। और तू कैसे मरेगा? तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा राजन के पिल्ले। राजन के पिल्ले को फांसी कैसे होगी? अगर मैंने राजीव की जान ली है तो मोहन को आपने मारा है। अरे बातों में टाइम खोटी क्यों कर रहे हो? हड्डियां तोड़ो इसकी। Ugh!
मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझा तूने? यार इससे पहले अपने बाप से पूछना था कि जॉय फिलिप क्या चीज है। डिपार्टमेंट का सम्मान तो तू भूल ही जा, रही बात विदाई की तो वो मैं पूरी कर देता हूं। बहुत अच्छे, समझ गया। तुझे ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, बचपन से तू बिल्कुल ऐसा ही है। तू और तेरी कहानियां। जैन का घर यही है क्या? उनका पार्सल आया है। लाओ मुझे दो। जिनके नाम रजिस्टर है उन्हीं को दे सकते हैं। रजिस्टर्ड? देखो मेरा बेटा आ रहा है। लीजिए। पासपोर्ट आ गया? यहाँ साइन कर दीजिए। पापा मेरा पासपोर्ट। हाँ। पासपोर्ट। क्या हुआ? क्या? हाँ? क्या पापा? अरे क्या? आइए पापा, आइए।